सोडियम धातु का कार्यफलन 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यदि इस धातु पर 6000 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश गिराया जाए तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा कि नहीं। आइए देखते हैं आंकिक प्रश्न। पहला दिया है, धातु का कार्यफलन फाई नॉट बराबर 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपतित प्रकाश की तरंग लंबाई लैम्डा बराबर 6000 एंगस्ट्रॉम। इस एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदल दीजिए तो 6000 गुणित 10 की घात ऋण 10 मीटर। हम जानते हैं कि E बराबर HC बटे लैम्डा। E का मान निकालना है, H का मान 6.63 गुणित 10 की घात ऋण 34। सी प्रकाश की चाल है, 3 गुणित 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। और लैम्डा का मान 6000 गुणित 10 की घात ऋण 10 मीटर। तो आप देखिए ये मीटर प्रति सेकंड, ये जूल इंटू सेकंड, तो सेकंड सेकंड से कट गया, मीटर मीटर से कट गया। तो ये ई का मान आपका जूल में आएगा, 6.63 इंटू 3 अपॉन 6 10^-34। इसका आपका हो गया +8, ये हो गया -10 का, ऊपर जाएगा तो +10 और नीचे में 1000 का 30 है तो ये आपका हो जाएगा -3 जूल। हल करेंगे, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 2 से भाग दे दीजिए तो E बराबर 3 × 2 = 6, ये 2 × 3 = 6, 2 × 3 = 6, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10 गुणित 10 की घात ऋण जो 18 ये हटा तो ये आपका बचा 16 × 3 = 10 की घात ऋण 19 जूल, 3.315 जूल। अब आप इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलिए तो E इक्वल टू 3.315 × 10^-19 अपॉन 1.6 × 10^-19, तो ये आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हट जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 3315/1600, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट। भाग देंगे तो आपका E का वैल्यू आ जाता है 2.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यह मान फाई नॉट से कम है, अतः इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। क्योंकि ये हमारा जो कार्यफलन है वो ज़्यादा है और आपतित प्रकाश की जो तीव्र ऊर्जा है वह उससे कम है, अतः इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा। आइए देखते हैं दूसरा अंकिक प्रश्न। अंकिक प्रश्न 2, 6×10^14 हर्ज आवृत्ति का एक वर्णीय प्रकाश किसी लेजर के द्वारा उत्पन्न किया जाता है, उसकी उत्सर्जन क्षमता 2×10^3 वाट है। प्रकाश किरण पुंज में किसी फोटॉन की ऊर्जा कितनी है? स्रोत के द्वारा औसत तौर पर प्रति सेकंड कितने फोटॉन उत्सर्जित होंगे? दिया है, आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू बराबर 6.0×10^14 हर्ट्ज। आपतित प्रकाश की उत्सर्जन क्षमता पी बराबर 2.0×10^-3 वाट।
फोटॉन की ऊर्जा ई नहीं मालूम। प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटॉन एन निकालना है, इसलिए ऊर्जा ई बराबर आपने सूत्र पढ़ा एच न्यू, एच का मान 6.63 इंटू 10^-34 जूल इंटू सेकंड, न्यू का मान 6.0 इंटू 10^14 हर्ज, हर्ज इसको प्रति सेकंड भी कहते हैं। इसको हल करेंगे तो 6×3 18 हाथ के लिए 6×6=36 के साथ हाथ के लिए 6×6=39 3.3978 इंटू 10^-34 +14 तो हो जाता है 39.78 इंटू 10^-20 जूल, या ई इक्वल टू 3.978 इंटू 10^-19 जूल। एक घर हमने इधर खिसका दिया, तो आप देखिए इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 3. सार्थक अंकों में 3.98 इंटू 10^-19 जूल। यदि स्रोत से प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटॉन एन है तो संचरित क्षमता पी प्रति फोटॉन के ऊर्जा की एन गुनी होगी, इसलिए पी इक्वल टू एन इंटू ई। अपने को एन चाहिए तो एन इक्वल टू पी अपॉन ई। पी आपका दिया है 2.0 इंटू 10^-3 वाट, इसकी वैल्यू दी है 3.98 इंटू 10^-19 जूल। तो देखिए वाट आपका जूल पर सेकंड होता है। अब इसको आप हल करेंगे तो लगभग ये आपका आता है 2/3.98 इंटू 10^16, या इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 20/3.98 इंटू 10^15। हल करेंगे तो n का लगभग मान आ जाता है 5×10^15 फोटॉन प्रति सेकंड। तो इस तरह आपने देखा उत्सर्जित फोटॉन की ऊर्जा 3.98×10^19 जूल, और उत्सर्जित फोटॉनों की संख्या 5×10^15 फोटॉन प्रति सेकंड है। प्रश्न तीसरा, यदि सीजियम धातु का कार्यफलन 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो निम्न की गणना कीजिए। तो निम्न की गणना कीजिए, पहला सीजियम की दहली आवृत्ति, दूसरा आपतित प्रकाश की तरंग लंबाई, तीसरा यदि प्रकाशिक धारा को 0.60 वोल्ट का निरोधी विभव लगाकर शून्य किया जाए। अभी से गिनेंगे ना आधा घंटा, हाँ तो आराम से हो जाएगा जी। दिया है धातु का कार्यफलन फाइ नॉट बराबर 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दहली आवृत्ति न्यू नॉट ज्ञात करनी है, तरंग लंबाई लैम्डा
ज्ञात करना है, जबकि निरोधी विभव आपका वी नॉट बराबर 0.60 वोल्ट। हम जानते हैं फाई नॉट बराबर एच न्यू नॉट या न्यू नॉट इक्वल टू फाई नॉट अपॉन एच, इसलिए न्यू नॉट इक्वल टू फाई नॉट का मान 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एच का मान 6.63 इंटू 10^-34। हल कर देंगे 2.14, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 है गुणित 10^-19 जूल, और ये आपका 6.63 गुणित 10^-34 गुना भाग कर दीजिए। न्यू नॉट इक्वल टू 2.14 का 1.6 इंटू करेंगे और फिर अपन इसको 2.14 इंटू 1.6 अपॉन 6.63 इंटू 10^-19 प्लस 34, तो ये आपका हो जाएगा 2.14 इंटू 1.6 अपॉन 6.63 इंटू 10^15 या न्यू नॉट इक्वल टू, इसको हल कर दें तो ये आपका आ जाता है 5.16 इंटू 10^14 हर्ट्ज। फिर आप देखिए ई वी जीरो इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नॉट, ई वी नॉट इक्वल टू एच न्यू का मान सी अपॉन लेमडा माइनस फाई नॉट, या ई वी जीरो प्लस फाई नॉट इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा, या लेमडा इक्वल टू एच सी अपॉन ई वी जीरो प्लस फाई नॉट। हल कर दें लेमडा इक्वल टू 6.63 इंटू 10^-34, सी की वैल्यू 3 इंटू 10^8 डिवाइडेड बाय ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10^-19, वी की वैल्यू 0.60 प्लस 2.14। तो हल करें इसको तो आपका हो जाता है 19.89 इंटू 10^-26 जूल, बटे इनको हल करें जोड़ करके तो 2.74 इंटू 10^-19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, तो ये आपका जूल जूल आ जाएगा। तो लैम्डा की वैल्यू आपकी आ जाएगी 454 नैनोमीटर। तो आपका आता है 10^, तो इस प्रकार से तरंग लंबाई हो गई 454 नैनोमीटर और आपका दहली आवृत्ति हो गई 5.16 इंटू 10^14 हर्ट्ज और लैम्डा आपका 454 नैनोमीटर। एक धातु की सतह पर 5000 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश गिराया जाता है, उस धातु का कार्यफलन 1.90 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो निम्न की गणना कीजिए। पहला, फोटॉन की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा, तीसरा निरोधी विभव दिया है। आपतित प्रकाश की तरंग लंबाई लैम्डा बराबर 5000 एंगस्ट्रॉम, इसलिए लैम्डा बराबर 5000 गुणित 10^10 मीटर। आपका कार्यफलन फाई नॉट इक्वल टू 1.90 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसलिए ऊर्जा ई निकालनी है।
गतिज ऊर्जा की मैक्सिमम निकालनी है। तो हल कर दें अपन, E इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, एच की वैल्यू आपके पास है 6.63 इंटू 10^-34, सी की वैल्यू 3 इंटू 10^8, लैम्डा की वैल्यू 5000 इंटू 10^-10, 19.89 अपॉन 5 इंटू 10^-34 प्लस 8 प्लस 10 माइनस 3। सॉल्व करेंगे पाँच तिया 15, पाँच निया 45, पाँच सत्ते 35, पाँच अट्ठे 40 इंटू 10^37 और 18 आ जाता है -19 जूल। इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो 3.978 इंटू 10^-19 अपॉन 1.6 इंटू 10^-19, तो आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा 3978 अपॉन 1600 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सॉल्व करेंगे 16 × 32 और आपका 2.482 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये E का मान निकल गया। K बराबर आपको निकालना है तो एच न्यू माइनस फाई नॉट, एच न्यू का मान अभी आपने निकाला, एच सी अपॉन लैम्डा माइनस फाई नॉट, इसकी वैल्यू आपकी थी 2.482 माइनस फाई नॉट की वैल्यू है 1.90, तो K इक्वल टू आपका आ जाएगा 0.582 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये K का मान निकल गया। अब तीसरा चीज जो अपने को निकालना है, एक निरोधी विभव भी इसमें निकालने के लिए कहा गया है, तो निरोधी विभव EV नॉट इक्वल टू 0.582 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या V नॉट इक्वल टू 0.582 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया तो 0.582 वोल्ट। तो ये था निरोधी विभव। तो ये तीन चीज़ें अपने को निकालनी थी, एक ऊर्जा, दूसरा गतिज ऊर्जा और तीसरा आपका निरोधी विभव। 6600 एंगस्ट्रॉम की फोटॉन की ऊर्जा और तरंग लंबाई ज्ञात कीजिए। दिया है आपतित प्रकाश की तरंग लंबाई लैम्डा बराबर 6000 एंगस्ट्रॉम, या लैम्डा इक्वल टू 6000 × 10^10 मीटर। ऊर्जा ई निकालनी है, संवेग पी निकालना है। तो देखिए ऊर्जा ई बराबर अपने पास सूत्र एच सी बटे लैम्डा, एच का मान 6.63 × 10^34, सी का मान 3 × 10^8, लैम्डा का मान आपका 6000 × 10^10। हल कर दें, 19.89 अपॉन 6 इंटू 10^-34 प्लस 8 प्लस 10 माइनस 3, तो 6 × 18 = 18। सारे प्रश्न में लैम्डा बराबर 6600 दिया, देखेंगे आप हम 6000 लिख दिए थे तो इसको आप 6600 कर देंगे तो आपका हो जाएगा माइनस
ये आपका सॉल्व करेंगे इसको तो 3 × 10⁻¹⁹ जूल सुधार लेंगे। आपतित प्रकाश की तरंग लंबाई लैम्डा बराबर 6600 एंगस्ट्रॉम है, लैम्डा बराबर 6600 और हमने यहाँ हल कर दिया तो आपका 10⁻¹⁸ बचता 19.89/66 × 10⁻¹⁸ था। इसको 19 बनाने के लिए हमने 10 से इंटू कर दिया और 10 से डिवाइड कर दिया तो आपका अप्रॉक्सीमेटली 3 × 10⁻¹⁹। वैसे पी निकालना है, पी इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा तो 6.63 × 10⁻¹⁴ अपॉन 6600 × 10⁻¹⁰ हल कर दीजिए आप तो 6.63 / 66 10⁻¹⁴ प्लस 10⁻², तो 34 − 2 = 36 ये हो जाएगा 10⁻²⁷ और इसको डिवाइड करेंगे तो लगभग आ जाएगा 10⁻²⁷ किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो ये था आपका उसका संवेग और ये था आपका ऊर्जा। तो ये लगभग मान आएगा, ये भी जो है मान लगभग है क्योंकि हमने 6.63 लेके चला, यदि आप 6.6 लेके चलेंगे तो सीधा आपका उतना ही आ जाएगा। तो इस चीज़ को अपने को ध्यान में रखना है। एक इलेक्ट्रॉन, अल्फा कण और प्रोटॉन सबकी ऊर्जा समान है, इसमें से किस कण की डी ब्रोगली तरंग लंबाई छोटी होगी? तो देखिए हम यहाँ पर अपने को तीन कण दिए हुए हैं, एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा अल्फा कण और तीसरा प्रोटॉन। अपने को बोला गया किसकी तरंग लंबाई ज़्यादा होगी, तो आपके पास सूत्र है लैम्डा बराबर एच बटे पी, तो लैम्डा बराबर एच पी का मान अंडर रूट 2mE क्योंकि E बराबर पी स्क्वायर बटे 2m। अब देखिए तीनों की ऊर्जा समान है, दिया है ऊर्जा समान है, E समान, इसलिए लैम्डा व्युत्क्रमानुपाती अंडर रूट एम। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान एम ई, अल्फा कण का द्रव्यमान एम अल्फा, प्रोटॉन का द्रव्यमान एम पी। तो आप सबको मालूम है कि मास ऑफ प्रोटॉन जो है 1836 गुना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, मास ऑफ जो अल्फा कण होता है वह चूंकि इसमें चार होंगे 2He4, ये 1H1 इसका सिंबल है, इलेक्ट्रॉन का -1E0 है, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है आप देख रहे हैं। और इसी प्रकार से आप अल्फा कण का निकालेंगे तो इसमें 2He4 और ये दो का भी गुना है तो आपका हो जाता है 4E, तो 4 × 1836। तो आप देखें कि एम अल्फा कण का एम ज़्यादा है इसलिए तरंग लंबाई सबसे कम अल्फा कण की होगी। तो इस चीज़ को हमारे को ध्यान में रखना है कि किसकी तरंग लंबाई सबसे कम होगी, तो जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा, यदि ऊर्जा समान है तो ऊर्जा समान है तो आप देख रहे हैं सबसे छोटी तरंग लंबाई सबसे कम अल्फा कण की होगी। एक इलेक्ट्रॉन को 100 वोल्ट के विभवांतर पर रखा जाता है, उससे जुड़ी
डी ब्रॉगली तरंग लंबाई की गणना कीजिए। दिया है विभव वी बराबर 100 वोल्ट, लैम्डा तरंग लंबाई निकालनी है, डी ब्रॉगली तरंग लंबाई। तो आपके पास सूत्र है लैम्डा इक्वल टू 12.27 बटे अंडर रूट वी अंगस्ट्रॉम। तो लैम्डा इक्वल टू 12.27 बटे अंडर रूट 100 अंगस्ट्रॉम, या लैम्डा बराबर 12.27 बटे 10 अंगस्ट्रॉम, या लैम्डा बराबर 1.227 अंगस्ट्रॉम। इसलिए 100 वोल्ट पर त्वरित इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली तरंग लंबाई 1.227 अंगस्ट्रॉम होगी। अतः 100 वोल्ट पर त्वरित इलेक्ट्रॉन की तरंग डी ब्रॉगली तरंग लंबाई 1.227 अंगस्ट्रॉम होगी। द्रव्य तरंग दैनिक जीवन में क्यों नहीं दिखाई देती? डी ब्रॉगली का द्रव्य तरंग समीकरण सिद्ध कीजिए। एक इलेक्ट्रॉन 50 वोल्ट पर त्वरित है, उससे जुड़ी तरंग लंबाई की गणना कीजिए। प्रकाश विद्युत सेल क्या है, उसके उपयोग लिखिए।